everything fell in place at the right time, just like some divine power is guiding us through the film to make this happen. If one quality that we have to learn from Hanumanji is loyalty, that is the biggest superpower. There was a day where a snake almost bit him. I don't think any other industry in the world made so many films on our itihasas. हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव. मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं तेजा एंड प्रशांत. हनुमान एक पिक्चर आने वाली है, इनसे ही पूछते हैं क्योंकि ये हैं एक्टर और वो हैं डायरेक्टर. कैसा लग रहा है हनुमान जी? नमस्कार भावना गारू. पहले नमस्कार. नमस्कार. वेलकम टू आवर चैनल. वेलकम टू आवर चैनल. नमस्कार. आर यू प्लेइंग हनुमान्स कैरेक्टर? नो नो नो, आई एम प्लेइंग अ सुपर हीरो, अ यंग बॉय फ्रॉम अ फिक्शनल वर्ल्ड called Anjanadri. Prashant Garu has built a world called Anjanadri. Achha. So a young boy in Anjanadri who is just like anybody else. He has a sister, he has a friend, he has his own life. Yeah, he's a common man. What if he gets blessed with the powers of Lord Hanuman, with Lord Hanuman's blessings? Achha. So that is the story about how he stands for himself, how he stands for his village, and how he finds to figure out the superpowers. All that will be in a fun action mode. Yeah. Action movie. Okay. Yeah. Prashant, why only Hanuman? Why not Shiva? Why not Rama? Why Hanuman? We're just starting with Hanumanji, and then there will be Shiva, and there will be the universe of superheroes. Yeah. Okay. Yeah. So, चूंकि बात हो रही है हनुमान जी की, तो पहले हम लोग चलते हैं हनुमान मंदिर दर्शन करते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में हैं और अगर हमने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के दर्शन नहीं किए तो क्या किया. पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है वो जारी रहेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच. कैसे दर्शन हुए? मैं देख पा रही हूँ आपके हाथों में और पहना हुआ. अच्छे दर्शन हुए? ग्रेट ग्रेट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर. बहुत अच्छा था. हाँ, ये एक्चुअली बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की. हम चलते चलते बात करें क्या? है ना, ठीक है. तो एक बार जय श्री राम या जय हनुमान का नारा हो जाए. जय श्री राम. जय हनुमान. जी जय हनुमान, जय श्री राम. अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि चूँकि अभी आप हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं, और हनुमान जी की कौन सी एक सुपर पावर है जो आपको लगता है कि आप में या आप में आ जानी चाहिए, होनी चाहिए या सब में होनी चाहिए, वो कौन सी होगी? मुझे तो स्पीड चाहिए. स्पीड? या व्हाई? बिकॉज आई हेट ट्रैवलिंग, सो दैट आई कैन गो टू दैट प्लेस क्विकली. और आपको? कीपिंग ऑल द सुपर पावर्स असाइड, if one quality that we have to learn from Hanumanji is loyalty, that is the biggest superpower. If we have loyalty and persistence, persistence in life, we can achieve anything. So that is persistence and loyalty is what I want to achieve. Yeah. अच्छा, तो हनुमान अष्टक में कहा गया है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट, काहू से जात मटारो, देवन अनि करि बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो. हनुमान जी को कहते हैं कि वो संकट मोचन थे. ऐसे कौन से संकट हैं जो आपके हर रहे हैं वो इस फिल्म में? हनुमान हर रहे मतलब कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व कर रहे हैं हनुमान जी इस फिल्म में? फिल्म में नहीं बता सकते पर रियल लाइफ में जब मेकिंग हो रहा है ना इस फिल्म का, बहुत 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 ऑब्स्टिकल्स आए थे. देयर वाज अ डे वेयर अ स्नेक ऑलमोस्ट बिट हिम. स्नेक वाज देयर. आई वाज शूटिंग, आई वाज सीइंग दैट इन द कैमरा. ओके. बट ही डिडंट डू एनीथिंग. देयर वर मेनी इंस्टेंसेस वेयर एक्सीडेंट्स जस्ट मिस्ड एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट एवरीथिंग फेल इन प्लेस एट द राइट टाइम, जस्ट लाइक some divine power is guiding us through the through the film to make God this happen. God was with you. God is with you. Yes, yes, yes. Totally believe it. So guys, 22nd of January, that's a special day for us. Hanuman Ram Mandir mein pran pratishtha hone wale hai Bhagwan Ram ki. Are you going Ayodhya or what's your plan? Hum jana chahte hain. Bilkul jana chahte hain.
अगर हमें इनवाइट नहीं है पर हम जाना चाहते हैं हां तो होपफुली इनविटेशन जल्दी आएगा दे आर इनवाइटिंग पीपल व्हाट अबाउट यू वी हैव ऑलरेडी बीन देयर 6 मंथ्स बैक ओनली वी विजिटेड अयोध्या बट डेफिनेटली वी विल गो ऑल ऑफ अस विल गो टुगेदर आफ्टर द फिल्म रिलीज आफ्टर द फिल्म रिलीज ऑब्वियसली अच्छा थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए कि फिल्म का कांसेप्ट क्या होने वाला है और फिल्म कब रिलीज होने वाली है हमारे दर्शकों को सो दैट वुड बी बेटर हनुमान एक देसी सुपर हीरो फिल्म है ये हनुमान जी की कथा नहीं है ओके ये हनुमान जी की कृपा से एक बंदे को शक्तियाँ मिलती है और जो बंदा धर्म के ही विल स्टैंड फॉर धर्म एंड ही विल फाइट अगेंस्ट द ईविल आप इसे हिंदी और तेलुगु दोनों में रिलीज कर रहे हैं हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम मराठी काफी सारी लैंग्वेजेस में फिल्म आ रही है सो काफी मतलब मास ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंचेगी अच्छा आपसे ये सवाल है मेरा कि इज देयर एनी रिस्क ऐसी फिल्में बनाने में बिकॉज आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर ही आदि पुरुष रिलीज हुई थी और जब आप कोई गॉड के कैरेक्टर को दिखाते हैं तो कास्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है डायलॉग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं है ना तो ऐसे में क्या आपको भी डर लगा कि लोग पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे ट्रोल कर देंगे बिकॉज आदि पुरुष को बहुत बहुत ज़्यादा बैकलैश मिली थी सो या आई डोंट नो मच अबाउट हिंदी सिनेमा बट इन तेलुगु सिनेमा I don't think any other industry in the world made so many films on our itihasas. Devotional films, films inspired by itihasas. So there were hundreds of films. We grew up watching those films. So we have our senior NTR sir. NTR sir was a big actor. So जो RRR का NTR hero है ना, उसका grandfather है. उन्होंने बहुत किरदार निभाए हैं वो कृष्णा थे हमारे हमारे लिए बहुत कैरेक्टर्स उन्होंने कहे जाते हैं नॉट माइथोलॉजी आवर इतिहासस इतिहासस फ्रॉम द इतिहासस या ओके सो हम वी ग्रो अप विद दोस कैरेक्टर्स वी ग्रो अप विद दोस स्टोरीज वी ग्रो अप विद दोस फिल्म्स आई डोंट थिंक एनी तेलुगु फिल्म मेकर कैन गो रॉन्ग मेकिंग अ फिल्म ऑन आवर इतिहासस अच्छा ओके सो या एक महाराज थे अंदर मंदिर के अंदर उन्होंने पूछ रहे थे कहाँ से हो आप हनुमान पिक्चर बन रहे हैं ना हमने कहा हाँ कहाँ से हो आप वी सेड वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड वी सेड वेरी गुड वी होप ऑल द साउथ इंडियंस मेक आई मीन ही वाज सेइंग या या ही श्योर ऑल द साउथ इंडियंस मेक गुड डिवोशनल या गुड डिवोशनल फिल्म्स बट दिस इज नॉट अ डिवोशनल फिल्म दिस इज अ वेरी एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्म विच हैज अ लिटिल mix of itihasas and our god element our hanuman ji's element to it but on the whole to answer your question I said that yeah okay so I'm sure ki kuch aisa touch bhi hoga jo youngsters ko you know attract kare aur bahut sare to ye the film ke concept aur hame prashant ne aur teja ne bataya ki film aane wali hai 12th of january if I'm not wrong yes, yes, right yes. 12th of january release date hai aap jaiye aur hanuman ko bahut sara pyar dijiye teja ko aur prashant ko bahut sara pyar dijiye aur hamare channel ko bahut sara pyar dijiye and thank you for watching this video thank you for giving your time jai shri राम जय हनुमान